और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में 2 दर्जन IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। हेमंत राव से सचिवालय प्रशासन विभाग हटाया गया है, तो वहीं पर रविंद्र नायक को सचिवालय प्रशासन का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। लीना जौहरी प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन उनको बनाया गया है। अनिल पाठक को सूडा का निदेशक बनाया गया है, जबकि अनिल कुमार प्रमुख सचिव श्रम सेवा योजन बनाया गया है। हेमंत राव ACS पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण आयुक्त उनको बनाया गया है। रजनीश गुप्ता प्रमुख सचिव राजनीतिक पेंशन और अनिल ढींगरा MD जल निगम उनको बनाया गया है। अजय चौहान को PWD में ही रखा गया है। सैमुअल P MD केस्को कानपुर उनको बनाया गया है। संत कबीर नगर के DM प्रेम रंजन हटाए गए हैं। प्रेरणा शर्मा हापुड़ के जिलाधिकारी बनाई गई। निखिल टीकाराम को चंदौली का DM बनाया गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 2 दर्जन IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से 2 दर्जन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इधर से उधर किया गया है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने बीती रात में उत्तर प्रदेश में करीब 20 से ज्यादा IAS अफसरों के ट्रांसफर किए हैं, और इसमें से कई अफसर जो दिल्ली से आए थे, वेटिंग में थे, उनको तैनाती दी गई है। इसके अलावा अनिल कुमार जो अभी हाल ही में प्रमुख सचिव लेवल पे प्रमोट हुए थे, उनको प्रमुख सचिव श्रम और सेवा योजन बनाया गया है। दिल्ली से आई थी लीना जौहरी जो वेटिंग में चल रही थी, उनको प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। और रजनीश गुप्ता जो राजस्व परिषद में थे पिछले कई सालों से, उनको सरकार शासन में वापस लाई है। हालांकि उनको पद राजनीतिक पेंशन दिया गया है, जिसका ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो रविंद्र नायक हैं, उनको प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन का भी चार्ज दिया गया है। और हेमंत राव जो काफी सीनियर है, 1987 बैच के IAS अफसर है, उनको समाज कल्याण आयुक्त बनाया गया है, और उनके पास ACS पिछड़ा वर्ग कल्याण का भी चार्ज रहेगा, और वो काफी सीनियर अफसरों में है। अंबेडकर नगर के DM सैमुअल पी को किस्को का नया MD बनाया गया है। और जो संत कबीर नगर में DM थे प्रेम रंजन सिंह, उनको हटा दिया गया है। निखिल टीकाराम फुंडे को चंदौली का नया DM बनाया गया है। अनिल ढींगरा जो किस्को में MD थे, अब उनको लखनऊ लाया गया है दोबारा से, और उनको जल निगम का MD बनाया गया है अनिल कुमार की जगह। तो इस तरह से काफी बड़े तबादले हुए हैं। अजय चौहान को सरकार ने PWD में बनाए रखा है, उनके पास से श्रम और सेवा योजन विभाग का चार्ज हटाया गया है। तो करीब 10 जिलों के DM बदले गए हैं, और शासन में भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है। तो योगी सरकार में ये बदलाव काफी दिनों से प्रतीक्षा में था, लोग उम्मीद कर रहे थे, और जब से ये इन्वेस्टर समिट आई थी तो ये उम्मीद थी कि उसके बाद सरकार एक बड़ा परिवर्तन करेगी प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में। आज उसका एक कहा जाए 20-22 अफसरों के जो नाम आए हैं, अभी ये 28 फरवरी के बाद सरकार एक और बड़ी सूची निकालेगी। जी बिल्कुल। तो ये जो तबादले किए गए हैं, तैयारी कहीं ना कहीं वीरेंद्र जी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर भी अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए, शासन में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, और जिलों में बहुत सारे अधिकारी 2-2, 3-3 साल से जिले में पड़े थे, DM बने थे, अब उनको उनकी बड़ी शिकायतें भी रहती है, बहुत सारी चीजें परिवर्तन करने रहना पड़ता है सरकार को जी। और कई सारे अफसर ऐसे थे जो राजस्व परिषद में पड़े थे, या जो लोग प्रमोट हो गए उनको पोस्टिंग देनी थी, जैसे अनिल पाठक मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर थे, और उनको अब निदेशक सूडा बनाया गया है। पाठक लगभग 2.5-3 साल से मुख्य सचिव के यहाँ पर पड़े हुए थे, तो ये भी एक बड़ा चार है, परिवर्तन है कि जो अधिकारी लंबे समय से यहाँ जमे थे उनको हटाकर नया उनको असाइनमेंट दिया गया है कि वो नए सिरे से काम करें, तो ये बड़ा परिवर्तन है। और मुख्यमंत्री चूंकि आज सदन में बजट पेश करने वाले हैं, इसलिए कुछ बड़े विभागों का परिवर्तन रुक गया, तो ये माना जा रहा था कि PWD जैसे बड़े विभाग पर भी मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं, और वहाँ कोई नया प्रमुख सचिव तैनात किया जा सकता है। फिलहाल ये काफी सारे, अनिल ढींगरा पिछले 3 साल से किस्को में MD हैं, उनको सरकार ने बदल कर लखनऊ लाई है, तो इस तरह से कई सारे परिवर्तन महत्वपूर्ण हुए हैं जी। तो यानी कि आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा जो तबादले हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं सर? बिल्कुल, देखिए, अभी इसी 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश में सीनियर ब्यूरोक्रेसी में 3 लोग रिटायर हो रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव हैं राजेंद्र तिवारी जी, और इस समय जो IIDC हैं अरविंद कुमार, और ये अभी इसी 28 फरवरी को आराधना शुक्ला जो ACS हैं इस समय आयुष विभाग की, ये 3 लोग इसी 28 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, यानी कि आज से 6 दिन बाद।
तो सरकार को वहाँ नई तैनातियाँ करनी है और ये माना जा रहा है कि उस रिसफल में और बड़े लेवल पे परिवर्तन होगा और कई सारे प्रमुख सचिवों को इधर से उधर किया जाएगा। तो अभी ये एक सतत प्रक्रिया है, सरकार जब से आई है पिछले एक साल से उसने अफसरों को लंबा मौका दिया काम करने का, और ये कहा जाए तो ये एक बड़ा पहली बड़ी लिस्ट है जिसमें जिले से लेके सचिवालय में काफी परिवर्तन किए गए, लेकिन अभी और गुंजाइश बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।